यूनिक इंडियंस और NBSC प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में यूनिक इंडियंस अवार्ड 2021 का जयपुर में भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरि प्रसाद शर्मा, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड IAS, डॉक्टर समित शर्मा IAS, राजेंद्र सिंह शेखावत, डॉक्टर शालिनी तोमर गर्सा डायरेक्टर दानाशिव हॉस्पिटल ने मंच को सुशोभित किया। साथ ही इस अवसर पर आमंत्रित अतिथियों ने नवोदित प्रतिभाओं को उनके कार्य क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों व उनके निदान के बारे में अवगत कराया, साथ ही पद से जुड़ी जिम्मेदारियों पर बात करी। इसी कड़ी में मुख्य अतिथि IAS राजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं श्रीमान राजेंद्र सिंह शेखावत जी, आप IAS हैं, निदेशक सिविल एविएशन, मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग एवं कंट्रोलर सर्किट हाउस, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं सर के कंधों पे। और NBSC के जो इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि IAS ऑफिसर समित शर्मा जी, हमारे बीच उपस्थित रेस्पेक्टेड मंच के सभी सदस्यगण एवं सभी यहाँ पधारे हुए सभी अतिथिगण एवं सभी RS में जो सेलेक्ट हुए हैं वो सभी छात्र तो क्या कहें, RS में जो एस्पिरेंट्स थे और जो सेलेक्ट हो गए सभी लोग, इसमें कोई संदेह नहीं कि समय और जवार बाटा कभी इंतजार नहीं करता। टाइम एंड टाइम बेट्स को रन में जानते हो आप, समय के आने में हम आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे जाते हैं, कभी खूब प्रोग्रेस करते हैं। अभी आपको हमारे रिटायर्ड IPS अफसर अभी जो चेयरमैन हैं, काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस हैं और उन्होंने काफ़ी कुछ बातें बताई हैं, मुझे भी इनके साथ काम करने का मौका मिला है। तो लीडरशिप स्किल्स और आपको काम कैसे करना है इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन एक बात निश्चित है कि हमें हमारी प्रतिबद्धता किसके साथ रखनी है ये हमें डिसाइड करना है, क्योंकि बेसिकली हम किससे गवर्न होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से होते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल है वो क्या कहती है आप सब जानते हो, सबने पढ़ाया आपको, हम सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ये सब इन चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों की बात करते हैं और सारे तो बैलेंस ऑफ पावर ही है, तीनों एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं। आप सब एग्जीक्यूटिव के एक पार्ट बनेंगे, तो एग्जीक्यूटिव के पार्ट बनेंगे इतना तो आपकी कोई जाति ना कोई धर्म है। SDM अपने सब डिविजन में SDM ही होता है, किसी जाति और धर्म का नहीं होता, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का होता है, वैसे DYSP भी सबका होता है। तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप संवैधानिक मूल्यों को बरकरार रखें और उनमें आस्था बनाए रखें, लोगों में आपके प्रति और संवैधानिक मूल्यों के प्रति विश्वास जगे, और ये तब हो सकता है जब इम्पार्शियल रह के सारी टीम को साथ लेके आप काम करें। छोटी छोटी बातें हैं जिसमें कई बार आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं अजीब तरीके, अब बाद में मुझे कहोगे कि आप अनुभव सुनाओ, मैं एक छोटा सा अनुभव सुना देता हूँ। मैं चित्तौड़ ADM और CO सांवलिया टेम्पल बोर्ड बना, हमारे पास पैसे नहीं थे उस समय, और अभी सांवलिया टेम्पल बोर्ड किसी ने देखा होगा तो उस समय की सारी प्लानिंग उस समय की बनी हुई है, तो इश्यू ये था कि पैसे कहाँ से हैं, पैसे कुछ है नहीं, महीने के 5-8 लाख रुपये निकलते हैं और एक बड़ा भंडारा चलता था जिसमें अव्यवस्था रहती थी। पहली बार मैंने देखा इस ये क्या है, कैसा भंडारा है, मैंने कहा इसमें क्या होता है, बोले इसमें सब लोग जीतते हैं, आसपास के गांव के लोग आते हैं और कोई लेके भग रहा है, कोई कुछ कर रहा है व्यवस्था। मुझे सबसे पहले मुझे डिसीजन ये लेना पड़ेगा कि ये बंद करो, और ये बंद करके ब्रह्मभोज बोलते थे इसको, मैंने कहा किसी भी तरीके से ब्रह्मभोज नहीं है, इसको बंद करेंगे, प्रसाद बांटो और इसमें जितने पैसे बचते हैं उसको काउंटर करने के लिए जो सिचुएशन आपके आने वाली है इसको बंद करेंगे। उसका रिएक्शन आ रहा था स्वाभाविक, गोल ना मचा, पुजारी जी स्ट्राइक बैठ गए धरने पे, और हो गया सब हो गया, मैं ठस से मस नहीं हुआ, लेकिन पूरे लोगों को विश्वास में लेने के लिए मैंने फिर ये किया कि ये जो पैसे बचेंगे इसमें भी ऐड करके डेवलपमेंट वर्क्स में खर्च किए जाएंगे आसपास के 15 गाँव में, और आप प्रपोजल दो। तो हमने पैसे बचाए और गाँव में सड़क बिजली दूसरे काम करवाने शुरू कर दिए, तो उसको वो काउंटर हो गया। सेकेंड ये था कि मंदिर का निर्माण करना है, पैसे नहीं है, तो बड़ा एक अजीब सा डिसीजन लिया मैंने, कहा पैसे को बढ़ा लेंगे लेकिन काम शुरू करने तो क्या करें, तो रिजोल्यूशन लिया कि कर्ज लेंगे बैंक से। तो अखबार में न्यूज आई कि नए CO सांवलिया सेठ जो खुद सेठ है वो कर्ज लेगा, तो अजीब सा रिएक्शन होता है लोगों में कि यार सेठ सबको दे रहे हैं कर्ज ले रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल कर्ज का रिजोल्यूशन लिया है, लेकिन लिया कहाँ है, लेंगे नहीं, ये अपने आप व्यवस्था करेंगे। हमने उसको बाद प्रचार प्रसार करवा के काफी कुछ करके आज जो स्थिति आप सबको दिख रही है, चित्तौड़ पे गए और आप पता भी कर लेना, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब बेसिक फंडा ये है कि आपको क्या करना है, आपको किस तरह से नौकरी करनी है, किस तरह की लाइन आपको तय करनी है। यदि आपको यही तय करना है कि ये तो एक
विलासिता का या नौकरी का बड़ा साधन है, आपके आइकॉन कौन है, आपके हीरो कौन है आपकी सर्विस में। अब आपके हीरो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अच्छे हैं तो आप अच्छा नाम कमा लोगे, और बुरे हीरो हैं आपकी नज़रों में तो आप बुरा नाम कमाओगे। सबसे पहले हमें सबसे जो डाउन ट्रोडन है, जिसको लाभ नहीं पहुंचा, उसको पहुंचाना चाहिए। आप अलग अलग फील्ड में काम करेंगे, कोई पुलिस का काम करेगा, कोई पुलिसिंग का काम करेगा, कोई एसडीएम का काम करेगा, कोई दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगा, हर चीज में स्कोप है। इतनी सारी स्कीम्स हैं जो आप स्कीम्स पढ़ते पढ़ते, सेंटर की फ्लैगशिप स्कीम्स अलग हैं, स्टेट की फ्लैगशिप स्कीम्स अलग हैं, स्टेट के अलग टारगेट्स हैं, सेंटर के अलग हैं, 20 पॉइंट्स हैं, साथ ही साथ आपके ऊपर सोशल सिक्योरिटी की बहुत सारी स्कीम्स हैं। और इन स्कीम्स से आप यदि किसी को फायदा पहुंचा देते हो, किसी आज भी जो बेचारा गरीब है जिसका कोई सुनने वाला नहीं है ना, वो पेंशन के लिए भटकता फिरता है, आप उसको पेंशन दे दो। आपके जो रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है, इतनी सारी स्कीम्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की स्कीम्स हैं, आप बहुत कुछ दे सकते हैं सोसाइटी को। असल में बेसिक ये है कि आप ये कहेंगे मैं क्या कर सकता हूँ देश के लिए, तो देश कोई ईंट गाड़ी से तो बनता है नहीं, देश आदमियों से बनता है। आदमियों में आदमियों के भी मॉरल करेक्टर जो है, उस करेक्टर से देश बनता है। बेसिकली आप हम सब लोगों का जो करेक्टर है उससे ही देश बनता है, क्योंकि इसी करेक्टर से पॉलिटिशियन निकल के आते हैं, इसी से ऑफिसर्स निकल के आते हैं, इसी से अल्टीमेटली सोसाइटी बनती है। तो अल्टीमेटली आदमी तो आगे वही बढ़ता है जो मजबूत होता है और जिसमें कुछ करने की क्षमता होती है। आप सब जानते हैं इसको, एक अच्छा सा शेर है कि गिरते हैं सवार है जंगे मैदान में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तिल्फ कहते हैं बच्चे को, वो क्या करेगा, वो जो घुटनों के बल चल रहा है तो कुछ कर ही नहीं सकता। जब आप कुछ करोगे ठानोगे तभी कुछ कर सकते हैं। कि आने वाले टाइम में आप लोगों का टॉर्च बीरर बनो, आप दूसरे लोग आपसे सीखे, दूसरे बच्चे हैं वो आपसे सीखे। इसमें कोई संदेह नहीं कि अलग अलग चीजें जो कुछ भी कहे, लेकिन मेरा अपना आकलन ये है कि समाज में जातियां दो ही हैं, या तो गरीब है या अमीर है, और गरीब है उसको संबल देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए संबल कौन दे सकता है, प्रशासनिक स्तर पे बैठे हुए हम और आप लोग उनके लिए पथ प्रदर्शक भी बन सकते हैं, गाइड भी कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें अच्छे अच्छे रिजल्ट आती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो पे करती हैं, और दुआएं और बददुआएं दोनों का असर मिलता है। हमने तो अच्छी तरह देखा है सोसाइटी के अंदर कि आप ब्लेसिंग्स लेते हो तो ठीक, अच्छी बात है, वैसे भी आपकी ड्यूटी है। आप और हम कोई बहुत महान व्यक्ति नहीं है, हम पब्लिक सर्वेंट है, और पब्लिक सर्वेंट का मतलब ये है कि हम उस पर नेतागिरी या दादागिरी करने के लिए है, ये हमें पावर इसलिए दी है कि सिस्टमेटिक तरीके से काम हो जाए। पब्लिक सर्वेंट का मतलब ये भी नहीं है कि आज मैं आए कहे कि तू मेरा ड्रॉप करे कल तो आदेश कर साइन कर। ये पावर्स इसलिए दिए कि हम समाज में हारमोनी बनाए रखें और चेक एंड बैलेंस करके कंट्रोल करें और सिस्टम को आगे गति दें। लेकिन पब्लिक सर्वेंट का एक मायना ये भी है कि आप अपने आप को इनके ऊपर नहीं समझो, बल्कि आप इनके वेलफेयर के लिए काम करो, या आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। ऐसे जो लोग जिनको कोई हेल्प नहीं मिले, कोई अपनी स्कीम से हम जहाँ भी जिस कैपेसिटी में काम करें अधिक से अधिक लाभ देने की कोशिश करें। और ये ध्यान रखें कि गीता में एक आया है श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपको जो कर्म दिया है वो आप करें और फल की चिंता नहीं करें। इस थ्योरी पे चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके जो भविष्य की शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।